लगने खेला कैसा गेम, देसी बाबू इंग्लिश में, रोज नया है एक प्लान, तीर कहीं तो कहीं कमान, टेंशन में है हर बंदा, कैसे चलेगा ये धंधा, भैंस के आगे बीन नहीं, इम्प्रोवाइज़ी नहीं, मतलब क्या है वट्टा सट्टा, जो नो कर वो जाकर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ न जाए इनका फट्टा, कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। जरीना, मैं कितना खुश नसीब आदमी हूँ कि मुझे तुम जैसी लड़की मिली, वरना मेरे ऐसे नसीब कहाँ। क्यों? मेरे तो ख्वाब में भी लड़की नहीं आती, जब भी मैंने ख्वाब देखे ना, या तो मैं हेलीकॉप्टर उड़ा रहा होता हूँ या इंजन खोल रहा होता हूँ। ये भला कैसा ख्वाब है? मजदूरों के ख्वाब ऐसे ही होते। अच्छा जानी, भला ये बताओ कि तुम शादी के बाद मुझे कहाँ लेके जाओगे? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड चलेंगे, वो भी पैदल। पैदल स्विट्जरलैंड? अरे बाबा, इस तरह तो मेरी टांगों में दर्द हो जाएगा। बस जब थक जाओ तो मुझे बता देना, हम वहीं से वापस हो जाएंगे। अरे बाबा, इस तरह तुम आधे रास्ते से ही वापस आ जाएंगे। एक काम करते हैं, शादी के बाद तुम्हारे गांव चलते हैं, बस वहाँ गाय भैंसे भी होंगी और तुम्हारा दिल भी लगा रहेगा। जानी अच्छा चलो छोड़ो, मेरे पे कोई एक शेर तो सुनाओ। हाँ हाँ, लो फिर अर्ज किया है। कि इतना हुस्न कहाँ लेके जाओगी? अर्ज किया है, इतना हुस्न कहाँ लेके जाओगी, देखना एक दिन आंटी बन जाओगी। ये सब क्या हो रहा है? जानी, तुम इस घर के नौकर हो, नौकर बन के रहो, मालिक बनने की कोशिश मत करो। क्यों 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 क्यों, मैंने क्या किया? हाँ हाँ, तुम तो नन्हे का, क्यों ना सब समझती हूँ मैं। भाजाई, आखिर तुम्हें मसला क्या है? तुम मेरी खुशियों के दुश्मन क्यों बनी हुई होती हो? हाँ हाँ, दुश्मन मैं ही हूँ ना, मेरे घर में रहती हो, फ्री का खाना पीना करती हो और ऊपर से बदतमीजी मुझसे करती हो। इस घर का मालिक मेरा अदा है और उसके मालिक मैं हूँ। मेरे साथ ज्यादा बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है। क्यों, तुम जो बाइडन हो? तुमने मुझे गाली दी, ठहर, मैं अभी तुझे बताती हूँ। अरे बदतमीज क्या कर रही हो? ख्वाब था? ए, बहुत ही बुरा ख्वाब था भाई। सुबह भी हो गई, चल मैं जानी काम पे लग जा। अरे बाबा, ये क्या फिर से गोल पराठा बना दिया? कितनी बार गया मुझे चकोर पराठा बना के दिया करो। अरे भाई, गोल हो या चकोर, क्या फर्क पड़ता है, पराठा है पराठा, खाओ चुकरे खाओ। अच्छा बाबा, ये बताओ कि इतना तैयार हो के आज सुबह सुबह किधर जा रही हो? वही जहाँ रोज जाती हूँ, ऑफिस। बार बार एक ही जगह जाने से बाबा इज्जत खत्म हो जाती है। ऑफिस जा रही हूँ, पप्पी के घर नहीं। अच्छा सीमा, बाबा जरा वो चीनी पकड़ाना। कोई जरूरत नहीं है, कम पिया करो तुम चीनी, इतनी शुगर पीने से शुगर हो जाती है। अरे बाबा, शुगर से भला शुगर कैसे होगी? कर दी ना तुमने जहालत से भरे मटके वाली बात, तुम्हें देखकर लगता है तुमने कभी ना स्कूल की दीवार तक को हाथ नहीं लगाया। अरे बाबा क्या बात करती हो, इसने तो चार मरतबा मैट्रिक किया है, हेडमास्टर स्कूल छोड़ गया लेकिन इसने मैट्रिक को नहीं छोड़ा है बाबा। तो मतलब ये हमारी जान भी कभी नहीं छोड़ेगी। अच्छा बाबा छोड़ो इस बात को, मेरा आज दिल कर रहा है कि हम फिल्म देखने चलते हैं। बाबा मैं भी चलूंगी तुम लोगों के साथ फिल्म देखने। तो तुम्हारी फिल्म हर जगह शुरू हो जाती है। अरे बाबा मैंने तो टिकट भी बुक करवा ली है। मोबाइल लेके दिया है ना तुम्हें, उसमें इंटरनेट चलाओ और फिल्म देख लो जो देखनी है। मैं जा रही हूँ ऑफिस, मुझे देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। अरे बाबा इसको क्या हो गया? अच्छा बाबा, आधी जरीना मोबाइल है तुम्हारे पास? हाँ दा, ये लो। हाँ दो बाबा दो। बेग साहब, बेग साहब टिकट कैंसिल करा दो, आज फिल्म नहीं देखने जा रहे बाबा। अदा तुम देख रहे हो, आजकल तुम्हारी बेगम बहुत मसरूफ है, उसके पास तुम्हारे लिए वक्त नहीं है। हाँ बाबा पता नहीं क्या मसला। बाबा कहाँ, नाश्ता करो बाबा नाश्ता करो। बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराती अभी तुमको, मैं सच्ची बता रही हूँ, देखो कहीं बिजी तो नहीं है। बाबा चीनी दे दो, बहुत ही कड़वी चाय। चले भाई, टेक केयर, रोल करें। चलो भाई शूट करो जल्दी से, मेरे पास टाइम नहीं है। ओके जी, रोल एक्शन। वेट 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 वेट, मेकअप मेकअप पैकअप। अरे डायरेक्टर साहब, क्या प्रॉब्लम है डायरेक्टर साहब? आप इतनी देर करेंगे तो बैटरी खत्म हो जाएगी। तो बैटरी चार्जर के लिए करानी चाहिए थी ना, ये यकीनन इस कैमरामैन ने कहा होगा। मैडम लाइट होगी तो चार्ज करेंगे ना। ओहो तो दो चार पावर बैंक ले लो, इतने पैसे कमाते हो, पैसे कबर में लेके जाओगे क्या? ओहो छोड़े मैडम यार, बस कर ना, चल शूट कर।
मेरा तो दिल कर रहा है इसे शूट कर। क्या हो गया मैडम, मैंने क्या किया? मेरे पीछे क्यों पड़ गई? कैमरामैन से टसल ले रही है, घंटों में वायरल कर दूंगा। ओह माय गॉड, वायरल करोगे ना तो पैसे मेरे ही बढ़ेंगे। ओह मैडम आप प्लीज शूट करें ना, देखिए डेलाइट जा रही है। ओ चल यार शूट कर। मेरा तो मूड ही खराब हो गया, पता नहीं कैसे कैसे नए नए लोग आ जाते हैं यहाँ पर। सही से शूट करना वरना वाकई मैं शूट कर दूंगी। चलो शूट करो। ओके जी, रोल एक्शन। मैडम सीधे हाथ से घूमे, अब उल्टे हाथ में, अब कमीज कैसे करें? वाह क्या लग रही है बेगम। What? Shut up! Back up! हटे यहाँ से। हाँ ठीक है, हाँ आ जाएगा आ जाएगी। चलो ठीक है, ओके। जानी, जानी मैंने तुम पे एक गजल लिखी है। हैं? मेरे पे गजल लिख दी है? कपड़े पड़े तो नहीं गंदे कर दिए तुमने? अरे नहीं नहीं बाबा, मेरा मतलब है कि मैंने तुम पे एक शायरी लिखी है, बोलो तो मैं तुम्हें सुना दूं। रुक जाओ एक मिनट, अजीब तबीयत होने लग गई है मेरी। भला तुम्हारी तबीयत को क्या हो गया है? क्यों तबीयत खराब है? जब से तुमने शायरी का कहा है ना, बस अजीब उल्टी टाइप की तबीयत हो रही है। तुम ना भला बहुत ही कोई बदजोक इंसान हो। अरे बाबा जानी एक बात बताओ, कोई फिल्मों के नाम बताओ बाबा। अरे बाबा मैं बताती हूँ, हुमायूं गुजर। अरे नहीं बाबा नहीं। शरीफ गुजर। अरे नहीं बाबा नहीं। अरे बाबा पप्पू गुजर, इश्तियारी गुजर, सोना गुजर, काला गुजर। अरे बाबा गुजर के अलावा कोई और नाम बताओ बाबा, गुजर के अलावा कुछ और नहीं है क्या फिल्म में? अब कहा फिल्मों से हटकर कोई गुजर ही नहीं है। क्या मतलब वाला? मतलब अगर आज गुजर ना होते तो हमारी फिल्म इंडस्ट्री भी ना होती। हाँ बाबा ये बात तो ठीक है। वो अदीजरी ना, अंदर जाओ बाबा, मुझे जानी से कुछ बात करनी है। ठीक है भला कर लो। क्या बात है बच्चू भाई, कुछ परेशान लग रहे हो? बाबा जानी सीमा के पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है बाबा, हर वक्त अपने काम में मैं लगी रहती है, मैं अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर। उदास मत हो आप, बिना उल्टी गेम खेलना शुरू कर दें। बाबा ये उल्टी गेम कैसे खेलते हैं? मतलब के आप भी ना उसको इग्नोर करें। अच्छा बाबा क्या करना है? मतलब उसको लिफ्ट ना कराएं, मतलब दर गुजर क्या यही होता है, लिफ्ट ना कराएं। बाबा इससे तो वो फिर उदास हो जाएगी ना। मैं हूं ना है? मेरा मतलब है जो मैं कह रहा हूँ ना वो आप करें। अच्छा बाबा ठीक है मैं सोचता हूँ बाबा। क्या बकवास शूट थी, ओ माय गॉड। और ये मेरे ड्राइवर कहाँ चला जाता है? अब मैं चल चल। ड्राइवर भी ना नया रखना पड़ेगा, इसको निकालना पड़ेगा। चल पड़ चलो इसका हाथ, अबे थोड़ा छीनने नजर नहीं आना। चल शाबाश निकाल, तू भी निकाल। अरे बाबा मेरे पास खवातीन का पर्स कहाँ से आएगा? मोबाइल का है, मोबाइल दे मोबाइल दे। अरे बाबा अभी 1:05 पे फोन करता है, मोबाइल आ जाएगी। अरे मेरा हाथ छोड़ो। बाबा हाथ तो छोड़ो उसका। तेरा हाथ पकड़ू क्या? हाथ छोड़ वरना मैं हाथ छोड़ दूंगा बाबा। अबे तूने तो हाथ पकड़ा ही नहीं हुआ। मेरा हाथ पकड़ेगा अभी, हम बताते हैं तुम्हें। अबे पिस्तौल निकाल जल्दी। अबे वो तो मैं लाना भूल गया। अरे बाबा ये तो और अच्छी बात है बाबा। आप भी बहुत माची है, मेरा मतलब है बहुत अच्छी है मिस बबली। आप मुझे जानते हैं? हाँ जी, आपको कौन नहीं जानता, मैंने आपकी सारी फिल्में देखी। पर मैं तो कमर्शियल्स करती हूँ। अरे बाबा हम भी तो फिल्म आपके कमर्शियल देखने ही तो जाते हैं, कहानी पे किसका ध्यान होता है, हम आप ही को देखते हैं। बहुत चोपी हैं आप। ये ले मेरे कार्ड, मेरे घर आइएगा। हाँ जी जरूर आऊंगा। हाँ बाबा रात के गाने पे जरूर आना अपने लंच पे बाबा। हाँ बाबा ये दो गली छोड़ के हमारा घर है बाबा, आ जाओ। ओके ठीक है मैं जरूर आऊंगी। अच्छा जी मैं चलता हूँ। ओके बाय। Oh my God, मेरा ड्राइवर कहाँ है? ड्राइवर फोन करती हूँ। खट्टा मीठा, खट्टा मीठा। कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, जो नौकर वो जा
अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ न जाए इनका फट्टा। कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। अरे बच्चू भाई क्या हो गया, तबीयत हो तो ठीक है? बाबा क्या हो गया, क्या हो गया है? अरे बाबा वो एक्टर नहीं है, बबली। हाँ हाँ बाबा मुझे उससे प्यार हो गया। आपको भी उससे प्यार हो गया? भी का क्या मतलब है बाबा, तुम्हें भी? नहीं ये टीवी एक्ट्रेसेस होती है ना, तो इनसे प्यार हो ही जाता है लोगों को। बाबा हमारा प्यार सच्चा है। कभी आपने पता किया कि उसको भी प्यार है आपसे? हाँ बाबा अदाएं तो कुछ ऐसी दिखा रही थी। अरे टीवी एक्ट्रेसेस है ना, ऐसी अदाएं दिखाती हैं। अरे बाबा मैं उससे मिल चुका हूँ और पता है मैंने उसकी जान भी बचाई है। कब? बाबा वो बाहर दो लड़के ना उससे पर्स छीन रहे थे, मैंने बचा लिया। तो इसमें प्यार कहाँ था? बाबा पहली नजर में लगता है वो मेरी नींदे जो है ना वो हलाल कर देगी। एक मिसाल दी वो भी गलत, नींदे हराम होती है। अरे बाबा हराम तो सीमा ने की है ना, ये हलाल करेगी और वो रात के खाने पे घर भी आ रही है। क्यों? अरे बाबा जब वो रात के खाने पे आए ना तो तुम चाय पीने के लिए घर हो चले जाना। अच्छा ठीक है, ठीक है ना बाबा, समझा करो ना बाबा, समझा करो। हाँ अरे नहीं नहीं ऐसे तो बाबला आ गया था उसकी बात सुन। हाँ 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 पहुंच जाएगा भाई। जानी 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 कब चाय पिला दो जल्दी से, बहुत सर में दर्द हो रहा है। सीमा मैडम आज चाय नहीं मिल सकती, दूध नहीं है घर में। दूध का कारोबार है हमारा, तुम कह रहे हो दूध नहीं है? मेरे ख्याल से मार्केट से शॉर्ट है। क्यों? शायद भैंसों ने दूध हड़ताल की हुई है। वो हड़ताल तो सुना था, ये दूध हड़ताल क्या होती है? खैर छोड़ो, ये बताओ बच्चों कहाँ हैं? अंदर हो गए। किस जुर्म में? भाजाई 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 अदा को पता नहीं क्या हो गया, बेकी बेकी बातें कर रहा, लग रहा है मुझको पागल हो गया है। सरीना हमेशा अपनी शक्ल की तरह को मनहूस खबरी लेके आती हो तुम। पागल तो होगा वो बेचारा, कहता है सीमा मुझे टाइम ही नहीं देती। क्या यही सब करने के लिए तुमने मेरे अदा से शादी की थी? ओ तुम कौन हो जो पीछे बोलने वाली? हाँ वो मेरा शोहर है, जो भी करूँ वो पहले मेरा अदा है। मेरा शोहर है, मेरा अदा है, मेरा शोहर है, मेरा अदा है। चुप हो जाओ, ना आपका शोहर है और ना आपका भाई है। फिर? मेरा दूल्हा भाई है। क्या? ओहो मुझे भी पागल कर दिया आप लोगों ने। मैं जा रही हूँ पड़ोस में, वो कमेटी डल रही थी, वहीं शायद चाय में मिल जाए। तुम लोगों से तो कोई उम्मीद ही नहीं रखनी चाहिए। एक मेरे लिए भी ले आना। बात कभी को काम निकल लिया करो, हर वक्त खड़ी रहती हो। जाओ जाने कहाँ फंस गया हूँ यार, इसीलिए मैं अमेरिका से नहीं आता। बनके मेरा परवाना आएगा अकबर खाना, कह दूंगी दिल भर जाना, बखैर आगले या कुर्बान या कुर्बान। डंग 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 डंग। अरे बाबा, अरे तुम हम समझा वो है। वो कौन? वही जिसने हमारी नींदे हराम की। अच्छा तो तुम मच्छर का बात करता है? अरे नहीं खैर छोड़ो बाबा, अब ये बताओ कि तुम कौन है, क्यों आया है? हम इधर मोहल्ले का चौकीदार है, महीने का पैसा दो। चौकीदार है बाबा, हमने तो तुम्हें कभी नहीं देखा है चौकीदारी करते। ओए हम चुप कर चौकीदारी करता है, सामने आकर चौकीदारी करेगा तो चोर को कैसे पकड़ेगा? पर बाबा तुम्हारी सीटी की आवाज तो आती नहीं है। ओ मारा वो पुराना दौर था जब सीटी बजता था, अब तो हमने लाउड स्पीकर रखा हुआ है, उसी पर ऐलान करता है। क्या ये के काम हो गया तो निकल जाओ, चौकीदार आ रहा है। लेकिन बाबा चौकीदार तो बगैर बताए आता है ना खामोशी से। हम झूठ नहीं बोलता है, हम बताकर आता है कि हम आ रहा है। अच्छा अच्छा बाबा ये बताओ पैसे कितने हुए बाबा? 10,000। 10,000? हाँ हमारे घर से 10,000 ही लेता है। अरे बाबा इतने पैसे लेता है तो तुम्हें तो अपने लिए चौकीदार रखना पड़ता होगा। उसका हमको जरूरत नहीं पड़ता है, हमारा अपना 10 बच्चा है, 10 का 10 चौकीदार है। 10 चौकीदार बाबा, वो भी एक ही घर में? अरे बाबा इतने चौकीदार तो हमने अपने बाड़े के लिए नहीं रखे हुए जितने तुम्हारे घर में हैं सही। तो बस अल्लाह का देड़ है, हम क्या करें। एक मिनट फोन आया, फोन आया। हेलो हाँ बोलो गुल खान, क्या हुआ? क्या चोरी हो गया हमारे घर में, सारा सामान चला गया? ठहरो हम अभी आता है। बाबा पैसे लेते जाओ बाबा पैसे। क्या तुम पैसे वैसा छोड़ो, हमारा अपने घर में चोरी हो गया है। हाँ अजीब सी बात है बाबा, चौकीदार के घर में चोरी हो गया है बाबा, अजीब जमाना है, हैरत है बाबा, बड़ा अमीर चौकीदार है। जानी बिना पता नहीं कहाँ पे घूमता रहता पूरे घर में, समझ नहीं आता। अरे 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 तुम यहाँ क्या कर रही हो?
जानी मेरे को बहुत भूख लगी है, कुछ बनाए? सुबह से शाम तक लोगों का दिमाग खाती रहती हो, पेट भरा नहीं? तुम भला अपने आप को समझते क्या हो? असलम शेख, देखो अगर मेरा दिमाग घुमाना तो मैं तुम्हें असलम शेख से ना मिल्कशेक बना दूंगी। सब बातें छोड़ो, ये बताओ तुम क्या समझती हो अपने आप को? बाबा मैं अपने आप को कुछ भी नहीं समझती, जो समझते हैं लोग समझते हैं। अच्छा अभी देख सुनो, जाओ मुझे बहुत सारा काम करना है, रात को मेहमान आ रहा है, उनके लिए डिनर बनाना है। कौन आ रहा है? वो मैं नहीं बताऊंगा, बच्चू भाई ने मना किया हुआ कि रात को ना एक्ट्रेस बबली आ रही है डिनर पे। ठीक है अगर उसने मना किया तो मुझे नहीं बताना कि बबली एक्टर घर पे रात को खाना खाने के लिए आ रही है। जैसे मुझे नहीं बताया ऐसे ही सीमा को भी नहीं बताना कि रात को बबली एक्टर घर में खाना खाने के लिए आ रही है। बेफिक्र हो जाओ, इतना पेट का हल्का नहीं हूँ। लेकिन अकल के जरूर हल्के हो। क्या मतलब? अरे मतलब बाबा छोड़ो, बताओ ना भला खाने में क्या बना रहे हो? वाह, मैं तुम्हें ये बता दूं कि मैं बिरयानी बना रहा हूँ। वाह, इतना पागल समझा हुआ है? समझना क्या, यकीनन खुद ही तो सब कुछ बताए जा रहे हो और मुझे कह रहे हो कि किसी को नहीं बताना। चल यहाँ कहीं खाना हो तो क्या बातें करते हो तुम? आज मुझे क्या हो रहा है, हर बात मेरे मुंह से सच निकल रही है, कहीं मैं मरने वाला तो नहीं हूं? खट्टा मीठा, खट्टा मीठा। बाबा भाई है ना, कैसा लगता है जिंदगी में बाहर आ गई। और आप जब से मुझे मिले हैं ना, मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी में कोई खोया हुआ वापस आ गया। है जी, वैसे आपकी हंसी बहुत प्यारी है। लेकिन मैं तो हंसी नहीं। अरे बाबा सुबह हंसी थी ना। सुबह जो हंसी थी वो आपको अभी तक याद है? अरे बाबा हंसी जोड़े मुझे तो आपके दांत भी याद है कितने है। अच्छा कितने दांत है मेरे? 32। वो तो सभी के होते हैं। अरे नहीं बाबा, हमारे दादा के नहीं थे ना? दादी ने तोड़ दिए होंगे। हाँ, बहुत मजाक करती हैं। हाँ, अच्छा सब छोड़े, मैं आपके लिए ना गिफ्ट लेकर आई हूँ। अरे बाबा, ऐसी तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? अच्छा नहीं चाहिए तो ले लेती हूँ। अरे नहीं नहीं, अब आप ले आई हैं तो बाबा मैं रख लेता हूँ ना। बाबा इसमें से तो खुशबू आ रही है, लगता है कोई चमड़े का गिफ्ट है बाबा। ओह माय गॉड, आपने कैसे गैस किया? अरे बाबा चमड़े की खुशबू आ रही है। आई विश आपको कलर अच्छा लगे। बाबा क्या लगता है आपके पुराने बाल हैं? I'm so sorry. मुझे लगता है कि ना मेरे नौकर ने जो है मेरी शूट का सामान डाल दिया है, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं, आपने वापस। अरे नहीं बाबा कोई बात नहीं, अब आप ले आई हैं तो मैं पहन के भी दिखा देता हूँ ना आपको, अभी देखें। ठीक है। बाबा मैंने गांधना बस्ती भी बहुत प्यारी लगती है बाबा, सिर्फ आपके लिए प्यारी है मैंने। You look so cute, कुछी कुछी कुछी। मुझे नहीं पता था आप इतने हसीन दिखोगे। बस बाबा मैं ही हंसते रहूं, मैं ही बैठा रहूंगा बाबा आपके सामने। अरे यार हर वक्त ये दरवाजा भजता ही रहता है, ढोल गया ये। अरे सीमा मैडम आप, और इतनी जल्दी कैसे आ गई? क्यों भाई, मेरा घर है, देर से आऊं जल्दी आऊं तुम्हें क्या मसला है? मुझे क्या मसला होने वाला? तो एक बात बताओ, ये बच्चू कहाँ है? कब से कॉल कर रही हूँ, फोन भी नहीं उठा रहा, अंदर है क्या? बच्चू भाई बेचारे हिसाब किताब में मसरूफ हैं। हिसाब? कौन सा हिसाब, कैसा हिसाब? कोई कारोबारी मसला है, उसमें उलझे हुए, वो उन्हीं को पता होगा कि क्या है मसला। अरे बाबा मैं बताती हूँ, कोई कारोबारी मसला नहीं है। जानी तुम झूठ बोलोगे ना तो दो शख्स से दो स्टाफ आगे जाओगे। झूठ? कैसा झूठ, बात क्या है जानी? अरे बाबा मैं बताती हूँ, वो जो अदाकार है ना बिल्ली, रात को बच्चू ने उसको खाने पे बुलाया है। बिल्ली नहीं बबली। रात को वो भी खाने में? किसके ज्यादा सब रहा है? मैं क्या करूँ, बच्चू भाई उस दिन बता रहे थे कि आप उनको टाइम ही नहीं देती। भाजाई ये भी इसमें मुलविस है। तुमको तो मैं बाद में निपटती हूँ, बच्चों कहाँ पर, उसको जरा देखो। बीज जमा लो कहीं की, क्या मिलता है दो खानदानों में आग लगा के? अरे बाबा ठंड मिली भी दिया। तुम्हें तो ठंड मिल जाती है, बच्चू भाई का सोचो, बच्चू है नहीं बच्चा ना इस दफा। अरे बाबा हुआ क्या है बताओ तो सही, रो क्यों रही हो? आपको पता है आज मेरी बहुत इंसल्ट की वो हीरो के बच्चे ने, वो भी सबके सामने। 9 बजे का शूट का कॉल टाइम था और मैं बस 2 बजे पहुंची, थोड़ी सी तो लेट हुई थी। हाँ बाबा कितना सा फर्क है बाबा, फर्क ही कितना है 9 बजे से और 2 बजे तक।
पांच दस मिनट का। वही तो। और फिर ना मैं मेकअप वेकअप करके ना 5 बजे सेट पे पहुंची, तो वो हीरो को बच्चा पता है क्या कहते हैं? कहते तुम इतनी लेट आई हो और खा पी कर आई हो और हम सबको यहाँ पर भूखा मार दिया। आपको पता है मैंने कुछ नहीं खाया था, सिर्फ जूस और सैलेड लिया था बस बस। हाँ, वो भी ब्रेकफास्ट और लंच के बाद। और देखो जरा सब लोग मेरे साथ कैसा करते हैं, हमेशा मेरे साथ ऐसा होता है, कोई मेरा साथ नहीं देता। अरे बाबा मैं हूँ ना, मैं साथ दूंगा तुम्हारा। बाबा मैं तुमसे ना एक बात करना चाहता। अच्छा वो ना मैं भी ना आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। है बाबा, फिर पहले तुम बोलो बाबा क्या बात है। मैं ये कहना चाहती हूँ, मैंने जब से आपको देखा है ना, मेरा मतलब है आपसे मिली हूँ ना, जब से यू नो हमारी बातचीत हुई है, तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि मेरे अब्बा जिंदा हो गए दोबारा। पाप? हाँ, आपको पता है मेरे पापा भी ना बिल्कुल आपकी तरह मेरा ख्याल रखते थे। पापा? बच्चों के बच्चे, ये सब क्या हो रहे हैं और कौन है ये? अरे सीमा बेटी। सीमा बेटी, ये क्या हो गया बच्चू भाई? अरे नहीं बाबा, सीमा नहीं बाबा, बबली है बाबा, बबली है ये। लेकिन आप तो कह रहे थे कि बबली से आपको प्यार हो गया। अरे बाबा क्या बेटी से प्यार नहीं हो सकता है? ओके, तो आज से आप मेरे पापा है ना? पापा पापा पापा, ओह माय पापा, पापा पापा। ख्याल किसका रखना है, अली का या माँ का? ओ अली का बाबा, माँ का ख्याल मैं रख लूंगा। जाएंगे जाएंगे, पहले टिकट तो बुक करा लूं बाबा। अरे जरूरत ही नहीं है ना, हम बाय रोड चलते हैं। अरे बाबा बाय रोड ट्रेन नहीं जाती है ना। नहीं नहीं, लड़की लंगड़ी नहीं है अभी, भला घूंगी होगी। नहीं भाई, मैंने फोन पे बात की है। बाबा जाने की पुरानी आदत है, वो हर किसी के काम आते हैं। अच्छा, हमारे तो कभी काम नहीं आए। अरे बाबा तुम्हारी कोई आंटी है? नहीं। तभी तो नहीं आया तुम्हारे काम। मैं शुमाला हूँ, मेरी इनसे शादी हो रही है। तो भला इसे में इतना करने की क्या जरूरत है? तो तुम दोनों इनसे बातों में क्यों लगी हुई हो? अरे तो तुम इससे कहो ना, इसका रेडियो है कि बंद ही नहीं होता, बजता चला जाता है बजता चला जाता है। क्या अच्छे ख्यालात के मालिक हैं आप। ये भी मैं इनको कह चुका हूँ। लगता है आप सब कुछ कह चुके हैं, कुछ बचा भी है? जो इन्होंने कहना है वही बचा है बस। इम्प्रोवाइज़ नहीं मतलब क्या है, वो जाकर भी अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ न जाए इनका फट्टा। कुछ कुछ मीठा।